मद्रास में टिम्मी मास्टर गनर की ड्यूटी पर थे। सेंट जॉर्ज किले की तोपों की देखरेख की जिम्मेदारी उनकी थी। आपको शायद पता हो कि राष्ट्रपति या बाहरी मेहमानों के आने पर फौज तोप के गोले दागती है। अधिकतम फायर की संख्या 21 है। उस समय गवर्नर को 31 तोपों की सलामी दी जाती थी। एक बार घर पर किसी पार्टी में एक सुंदर लड़की गवर्नर की बात कर रही थी। गवर्नर की शान शौकत से बहुत प्रभावित थी। टिम्मी बोल पड़े, तुम किसी गवर्नर से अधिक स्मार्ट और महत्वपूर्ण हो, तुम देश का भविष्य हो। लड़की बोल पड़ी, अच्छा मतलब मुझे भी 31 तोपों की सलामी मिलेगी? टिम्मी बोले, कभी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, तुम डिजर्व करती हो, कल तोपें तुम्हारे लिए चलेंगी। सबको लगा कि टिम्मी बस मजाक कर रहे हैं, पर अगली सुबह पूरा शहर 31 तोपों की आवाज़ों से आश्चर्यचकित रह गया। किसी आम हिंदुस्तानी के लिए 31 तोपों की सलामी। जनता को लगा कि टिम्मी ने भारतीयों का गौरव बढ़ा दिया। क्योंकि मास्टर गनर होने के कारण टिम्मी को तोपों की साफ सफाई करवाने और उन्हें चेक करने के लिए फायरिंग का अधिकार प्राप्त था, इसलिए टिम्मी से किसी ने कुछ नहीं कहा। जी हाँ दोस्तों, मैं आशीष चौबे, मैं आपका स्वागत करता हूँ स्पिरिट ऑफ फिजिक्स पर। और आज हम जिस व्यक्तित्व की सफ़रनामा के इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, वो है भारतीय सेना के एक महान कमांडर, जो बाद में चीफ भी बने, सेना के चीफ भी बने, जनरल थिमैया की। तो आइए और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके सेवा काल के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर टिम्मी को एक ब्रिगेड की कमांड देकर जापान भेजा गया। जापान की बर्बादी देख किसी को भी रोना आ जाए। उनकी ब्रिगेड मत्सु में रुकी थी। मत्सु जापान का एक शहर का नाम है। युद्ध के कारण जापान में पुरुषों की संख्या अत्यंत कम हो गई थी। ऐसा कोई काम भी नहीं था जैसे जिससे वहाँ पर पैसे कमाए जाएं। जब भूख तोड़ती है तो क्या सही क्या गलत, महिलाओं को मजबूरी में वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ी। जापान मजबूर, महिलाओं और घर परिवार से दूर दुनिया भर के सैनिक। परिणाम यह निकला कि यौन रोगों की भरमार हो गई। आदेश जारी हुए कि यौन संबंधों पर रोक लगाई जाए, पर कोई फायदा नहीं, घटनाओं में वृद्धि होती रही। बस एक ब्रिगेड थी जिसमें एक भी मामला नहीं देखा गया। जब इसकी रिपोर्ट की गई तो किसी को यकीन नहीं हुआ। एक भी केस नहीं, यह कैसे संभव हो सकता था? अमेरिकन फौज ने अपने डॉक्टर भेजे कि वे टिम्मी के आदमियों की जांच करें, उन्हें भी कोई बीमारी नहीं मिली। अमेरिकन कमांडर ने टिम्मी से पूछा, क्या तुम लोग कोई दिव्य औषधि, कोई करामाती काढ़ा, कोई चमत्कारी मंत्र का उपयोग करते हो जो एक भी रोगी नहीं है तुम्हारे यहाँ? टिम्मी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हम भारतीय फौजी जिस चमत्कारी मंत्र का प्रयोग करते हैं उसे अनुशासन कहा जाता है। दोस्तों, टिम्मी सर के जीवन से जुड़ी एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये घटना लेह की है, सुनिए। दुश्मन बढ़ा चला आ रहा था, 22 मई 1948 को खलातसे पुल पर हमला कर दिया। इसकी रक्षा कर रही राज्य सेना को लेह लौटना पड़ा। 23 मई को मेजर पृथ्वी चंद ने संदेश भेजा कि यदि कल तक मदद नहीं पहुंची तो लेह हाथ से निकल जाएगा। उस समय तक कोई भी जहाज लेह में नहीं उतरा था। यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम था। अफसरों के लिए टिम्मी और जवानों के लिए टिम्मी साहब। थिमैया ने अजीब निर्णय लिया और एयर कॉमोडोर मेहर सिंह के पास पहुँचे। भारतीय वायुसेना के नंबर एक ऑपरेशनल ग्रुप के कमांडर मेहर सिंह से उन्होंने कहा कि क्या आप मदद करेंगे? खतरा बहुत अधिक है, पर ज़रूरत उससे भी अधिक है। बाबा मेहर कहे जाने वाले उस सिख ने खुद
खुद ही एक डकोटा उड़ाकर लेह जाने का फैसला किया कि पता तो चले वहां लेह में जहाज को लैंड करवाना संभव भी है या नहीं। जब बाबा मेहर ने इंजन स्टार्ट किया, थिमैया भी जहाज में चढ़ गए। 24 मई 1948 को एविएशन क्षेत्र के इतिहास में एक नया मामला दर्ज हुआ जब एक डकोटा लेह में उतरा। स्थानीय लोगों ने कोई भी जहाज नहीं देखा था, उन्हें लगा कोई दैवीय घोड़ा उतरा है। वे भोले भाले लोग उस घोड़े के लिए हरी घास भी ले आए थे। खैर, थिमैया के पास जो आइडिया था और बाबा मेहर की ये जो वीरता थी, दोनों ने लेह का रास्ता खोल दिया। जहाज़ों से सैनिक आने लगे और लेह को बचा लिया गया। दोस्तों, यदि हम और जिक्र करें थिमैया के बारे में, तो एक वाकया और है, सुनिए। जोजिला जीतना बहुत ज़रूरी था, पर अत्यधिक बर्फ और दुश्मन का ऊंचाई पर बैठा होना भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी कठिनाई थी। 3 सितंबर और 14 सितंबर 1948 को किए गए हमलों में भारतीय फौज को कई अफसरों और जवानों का नुकसान हो चुका था। आर्टिलरी सपोर्ट था पर वह ना काफ़ी था। भारतीय जवानों में हताशा फैल रही थी। करियप्पा ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें श्री नागेश अटल और थिमैया उपस्थित थे। थिमैया ने एक आइडिया दिया जिसे करियप्पा ने स्वीकार किया। आइडिया था कि आर्टिलरी चूंकि निश्चित निशाने पर वार नहीं कर पा रही है, इसलिए इन्फेंट्री आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो क्यों ना फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन मतलब टैंक का प्रयोग किया जाए। निर्णय को पुख्ता करने के लिए 7 कैवलरी के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल गजेंद्र सिंह को बुलाया गया। तय हुआ कि 7 कैवलरी के स्टीवर्ट टैंक जम्मू से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से बालटाल लाए जाएं। इन रास्तों में कई ऐसे पुल थे जो टैंक के लिए कमज़ोर थे। टैंक चल पड़े और आगे सेना के इंजीनियर अपनी पूरी क्षमता से उन पुलों की मरम्मत में जुट गए। दुश्मन को पता न चले इसलिए टैंकों के ऊपरी भाग निकाल लिए गए। किसी बहाने से श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया। एक आदमी भी सड़कों पर ना दिखे, पूरा स्क्वाड्रन गुजर गया और किसी को पता भी ना चला। केवल 2 हफ्तों में 260 मील की दूरी तय कर टैंक बालटाल पहुंच गए। फिर जब टैंक गरजे तो दुश्मन के छक्के छूट गए। अचानक भूत की तरह ये टैंक कहाँ से आ गए। ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा। रात बीतते बीतते जोजिला जीत लिया गया। यह बहुत गैर परंपरागत बात थी, पर जो पहला टैंक आगे बढ़ा था उसमें डिवीजनल कमांडर थिमैया भी बैठे हुए थे। दोस्तों, भारतीय सेना के फाउंडिंग फादर कहे जाने वाले 3 लोगों की छवियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। करियप्पा अनुशासित सैनिक थे। वे अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते जरूर थे, पर अपने अफसरों और सरकार की बात मान लेते थे, भले ही इससे उन्हें व्यक्तिगत नुकसान ही क्यों ना हो। ठाकुर नाथू सिंह को डाई हार्ट कहा जाता था। ठाकुर नाथू सिंह जी की हम आपको कहानी सुना चुके हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। नाथू सिंह जी एक कट्टर राष्ट्रवादी थे जिसने कभी किसी अंग्रेज को पसंद नहीं किया और कभी इस भावना को छुपाया भी नहीं। वे हमेशा ही अपने अंग्रेज अफसरों के आँख की किरकिरी बने रहे। आज़ादी के बाद यहाँ के हुक्मरान भी उन्हें नापसंद करने लगे। ठाकुर नाथू सिंह हमेशा ही भारतीयों के पक्ष में अंग्रेजों से लड़ते रहे, एक तरह से नफरत करते रहे। पर उन्होंने जो अंतिम बात लिखी वह यह थी, मैंने एक भी ब्रिटिश नहीं देखा जो अपने हित के आगे अपना व्यक्तिगत हित रखे, अपने देश के हित के आगे अपना व्यक्तिगत हित रखे। अफसोस, यही बात मैं भारतीयों के लिए नहीं कह सकता। और तीसरे थे थिमैया, जो अपने सर्विस काल में ही जनता के हीरो बन चुके थे। वे पहले कमांडर थे जिन्हें विश्व युद्ध में लीड करने का मौका मिला था।
आज़ादी के बाद जंग के मैदानों में न केवल कामयाब फैसले लिए थे बल्कि सबसे आगे की पंक्ति में खड़े रहकर अपनी सेना का हौसला भी बढ़ाया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पंचायत का अध्यक्ष पद संभालकर कोरिया मामले में ऐसे फैसले लिए थे जिससे कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट दोनों पक्ष संतुष्ट हुए थे। थिमैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि पा चुके थे। प्रसिद्धि के शिखर पर बैठे थिमैया सेना के चीफ बने, लेकिन रक्षा मंत्री मेनन की सनक और मेजर जनरल कॉल के पक्ष में रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के पक्षपातपूर्ण रवैये ने थिमैया को त्याग पत्र देने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने थिमैया को जैसे तैसे मना लिया, त्याग पत्र वापस हो गया, परंतु जब नेहरू संसद में सांसदों के सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने मेनन की तारीफ की। यह थिमैया का अपमान था। आपको बता दें कि 1962 के चीन और भारत युद्ध में जो भारत की हार के कारण थे वो मेनन और कॉल दोनों ही थे। थिमैया जानते थे कि चीन कभी भी आक्रमण कर सकता है, इसीलिए उन्होंने सेना की दो सफल अभ्यास भी वहाँ पर करवाए थे। नेहरू को शक था कि थिमैया कहीं तख्ता पलट ना कर दें। उन्होंने यह बात अपने मित्र माउंटबेटन को लिखी थी। माउंटबेटन ने जवाब में लिखा कि थिमैया जैसे प्रतिष्ठित सैनिक के लिए ऐसे सोचना भी सैनिकों का अपमान है। थिमैया ने फौज में अपने अंतिम दिन बहुत निराशा में काटे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का कमांडर बनाने के लिए निमंत्रित किया। 6000 की इस फौज में कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक थे। उस इलाके में ईसाइयों और तुर्क मुसलमानों के बीच विवाद था। पाकिस्तान का कहना था कि थिमैया चूंकि इंडियन है तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम विरोधी है, अतः तुर्कों के साथ उनका व्यवहार अन्यायपूर्ण होगा। लेकिन उनके कार्यकाल में ही यह बात जो आरोप था वो पूर्ण रूप से मिथ्या साबित हुआ। कमांडर का कार्यकाल 3 महीने का होता है, लेकिन 3 महीने पूर्ण होने से पहले ही उन्हें बार बार एक्सटेंशन मिल जाता। 18 दिसंबर 1965 को वह काला दिन जब भारतीय सेना का सबसे दुलारा सितारा साइप्रस में ही अपनी अंतिम रोशनी बिखेर कर लुप्त हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ भी ना करिएगा, बस आप ये वीडियो बहुत अपने सभी ग्रुपों में प्रेषित कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी वीर सिपाही हैं जिन्हें जो गुमनाम है आज की डेट में, आज की तारीख में गुमनाम है। ठीक है, तो हमारे लिए ना सही, एक बार थिमैया के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। राधे राधे।